नमस्कार दोस्तों, मैं संजय चौधरी बुबई एफटेक यूट्यूब चैनल की तरफ से आज हाजिर हो गया हूँ। आज का जो टॉपिक है बहुत ही सिंपल वाला टॉपिक है एकदम। मेरे एक दोस्त ने मुझे फ़ोन करके मुझसे पूछा कि बुबई, एक यूट्यूब स्टूडियो के बारे में, थोड़ा सा मोबाइल का जो यूट्यूब स्टूडियो होता है एंड्रॉयड वाला, उसके ऊपर एक ट्यूटोरियल बना दे, कौन सा चीज़ क्या है और किस चीज़, जो नया नया यूट्यूबर है उन लोगों को समझ में आ जाए। तो दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा कि जो यूट्यूब का स्टूडियो होता है, मतलब एंड्रॉयड फ़ोन में जो प्ले स्टोर से आप लोग डाउनलोड करते हैं, गूगल LLC कह के जो कंपनी है वो बनाता है, तो ये यूट्यूब स्टूडियो बहुत काम का चीज़ है। जो लोग मोबाइल से अपना स्टेटस को चेक करना चाहते हैं, मोबाइल से हर वक्त एक्टिव रहना चाहते हैं, थंबनेल को चेंज करना चाहता है, टाइटल को चेंज करना चाहता है, मतलब डिस्क्रिप्शन लिखना चाहता है मोबाइल से ही, उन लोगों के लिए ये बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है और उन लोगों के मोबाइल में एक यूट्यूब स्टूडियो रहना ही चाहिए। तो चलिए, आज एक बहुत छोटा सा, बहुत इंट्रोडक्टरी यूट्यूब स्टूडियो के ऊपर मैं ट्यूटोरियल बनाऊँगा। तो चले जाते हैं मेरे मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर और दिखाते हैं आज का ट्यूटोरियल। चलिए मोबाइल स्क्रीन पर। तो दोस्तों, मैं आ गया हूँ अपने मोबाइल के स्क्रीन के ऊपर। यूट्यूब स्टूडियो को खोलने के लिए पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि आपका जो इंटरनेट कनेक्शन है वो सही है कि नहीं। तो यहाँ पर मोबाइल डेटा मेरा ऑन है, आप देख सकते हैं। तो मोबाइल डेटा को ऑन रखना चाहिए क्योंकि ये विदाउट इंटरनेट काम नहीं करता है। अभी दूसरा आपका यूट्यूब का स्टूडियो का जो ऐप्स है वो खोल लेना चाहिए। मैं क्लिक किया, यूट्यूब का ऐप्स, स्टूडियो वाला जो ऐप्स, वो खुल गया है मेरे सामने। अब बाय डिफ़ॉल्ट जो पेज खुलता है उसको डैशबोर्ड बोला जाता है। अब देखिए, ऊपर में डैशबोर्ड लिखा हुआ है और उसके नीचे है एनालिटिक्स, उसके बाद है लेटेस्ट वीडियो परफॉर्मेंस, उसके बाद है वीडियोस एंड सबसे लास्ट में है कमेंट्स। सबके नीचे आप देखिए व्यू मोर करके एक ऑप्शन दिया हुआ है, इधर भी व्यू मोर है और इधर भी व्यू मोर है, आप देखिए। मतलब अगर व्यू मोर में आप क्लिक करेंगे तो उसका जो डिटेलिंग पेज है वो खुल जाएगा, तो उसमें हम बाद में आते हैं। पहले यहाँ पर देखते हैं लास्ट वाले एकदम लेफ्ट टॉप कॉर्नर में, आप देखिए यहाँ पर तीन वाईफाई जैसा सिंबल दिया हुआ है, तीन लाइंस का, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर जाएंगे और यहाँ पर देखिए डैशबोर्ड है, जो मेरा पहला डिफॉल्ट वाला पेज आप लोगों को दिखाया वही थे। उसके बाद वीडियोज़ है, वीडियोज़ में क्लिक करेंगे तो ये वीडियो खुल जाएगा, वीडियो वाला जो पेज है वो खुल जाएगा। अब राइट साइड में देखिए, यहाँ पर भी तीन लाइंस का एक सिंबल बना हुआ है, छोटे से लेके बड़ा होता हुआ। यहाँ पर क्लिक करेंगे, देखिए यहाँ पर एक चीज़ आप और देख लीजिए, यहाँ पर जो है जो वीडियोस का सॉर्टेड है वो सॉर्ट कैसे किया गया है, मोस्ट रिसेंट में सॉर्ट किया गया है। मतलब जो वाला वीडियो आपने लास्ट में अपडेट किया, अपलोड किया, वो वाला पहले दिखाएगा और आपका पुराना वाला जो वीडियो है वो एक के बाद एक आपको दिखाया जाएगा। मतलब सबसे पुराना वाला वीडियो सबसे नीचे, सबसे रिसेंट वाला वीडियो सबसे ऊपर। और अगर इसमें हम क्लिक कर देंगे, मतलब वो तीनों लाइन वाला सिंबल में, तब पर यहाँ पर नीचे देखिए मोस्ट रिसेंट जो अभी का डेकोरेशन है वैसा, और मोस्ट व्यूड में अगर क्लिक करेंगे तो ये बफरिंग होके आपका वीडियो को एक सॉर्टिंग करेगा, सॉर्ट करके वो जो वाला वीडियोज़ में आपने सबसे ज़्यादा व्यूज़ पाए हैं उसी को आपको दिखा देगा। मतलब मेरा जो टॉप में रहेगा जो वीडियो, उसका व्यूअर्स सबसे ज़्यादा है, वो वाला वीडियो सबसे ज़्यादा बार देखा गया है आपका यूट्यूब का चैनल से, और नीचे वाला जो वीडियो है वो है सबसे कम बार देखा गया हुआ। मतलब जिस वीडियो में व्यूज़ सबसे कम है वो लिस्ट का नीचे में रहेगा और जिस वीडियो में सबसे ज़्यादा व्यूज़ है वो लिस्ट के ऊपर में रहेगा। बहुत ही सा सिंपल है, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आप लोगों को शायद। अब मैं आ जाता हूँ उसके डैशबोर्ड में, एकदम डैशबोर्ड में आ गया, मतलब जो वाला पेज पहले था उसी के ऊपर। अब एनालिटिक्स का कुछ चीज़ जो है वो समझ लेते हैं। ये जो एनालिटिक्स है, ये वाला एनालिटिक्स टैब, इसके ऊपर देखिए व्यू मोर है, ये वाला व्यू मोर में हम क्लिक करेंगे अभी।
तो व्यू मोड में क्लिक कर लेते हैं। व्यू मोड में क्लिक करने के बाद एक पेज खुल जाएगा, उसमें आप देखिए क्या क्या है। रियल टाइम व्यूज़ है, वॉच टाइम है, ये तीनों चीज़ को हम पहले समझते हैं। रियल टाइम व्यूज़ मतलब 28 आवर्स में आपका चैनल में जितना सारा व्यूज़ आए हैं सबका वीडियो मिला के, मतलब कुल वीडियो मिला के जितना सारा व्यूज़ आए हैं उसका काउंट इसमें दिखाया जाएगा। रियल टाइम व्यूज़ लास्ट पब्लिश्ड वीडियो मतलब लास्ट आपने जो 5 वीडियो अपलोड किए हैं उसके ऊपर टोटल व्यूज़ 48 आवर्स में कितना आया है वो आपको दिखाया जाएगा, जो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। और लेफ़्ट साइड में वो बड़ा वीडियो का टाइटल यहाँ पर दिखाया देख सकते हैं, ये वाला 1 है और ये वाला 2 है। तो 1 में आपको वीडियो का टाइटल दिखने को मिलेगा और 2 में आपको मिलेगा कितना सारा व्यूज़ है लास्ट 48 आवर्स में। उसके बाद आता है वॉच टाइम मिनट्स में, मतलब मेरा जो वीडियो है वो लास्ट 28 डेज़ में, यह दिखाता है लास्ट 28 डेज़ में कितना मिनट तक मेरे वीडियो को देखा गया है, और वो है 148,996 मिनट्स। मतलब करीब करीब ठीक ही है, मेरे चैनल का एवरेज ठीक ही है, बहुत ज़्यादा था, अभी तो व्यू बहुत घट गया है। ओ, आपका जानकारी के लिए बता दूँ, ये मेरा दूसरा वाला चैनल है जिससे मैं रेवेन्यू जनरेट करता हूँ। मैं जो आप लोग जो ये देख रहे हैं जिस चैनल से, इस चैनल का ये एनालिटिक्स नहीं है, ये मेरा दूसरा वाला चैनल है उसका एनालिटिक्स का, जिसका नाम है फोक टेक एंटरटेनमेंट। चाहे तो आप फोक टेक एंटरटेनमेंट सर्च करके और उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसका वीडियो का लिंक मैं दे इस चैनल का लिंक मैं दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, अगर चाहे तो आप इसको भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो उसका नीचे आए हैं व्यूज़, ये वाला बहुत मज़ेदार चीज़ है। आप देखिए वॉच टाइम तो मैंने बता दिया, अब आएगा व्यूज़ में लेफ्ट साइड में आपको दिखाएगा कितना सारा व्यूज़ है, मतलब 27,785 मेरा व्यूज़ है लास्ट 28 डेज़ में। और यहाँ पर दिखाया गया है इसका ग्राफ, मतलब लास्ट 2-3 डेज़ में ये ग्राफ ऊपर गया था, उसके बाद फिर से नीचे आ गया है, मतलब कुछ ऐसा ग्राफ है इसका, आप लोग देख सकते हैं। तो ग्राफ देख के भी आपको बहुत कुछ पता चल जाता है कि कौन सा कहाँ कहाँ ग्राफ नीचे गया था, कहाँ कहाँ ग्राफ ऊपर गया था। और एवरेज व्यू ड्यूरेशन, ये बहुत मज़ेदार चीज़ है, आपको समझा देता हूँ क्या है ये। देखिए लास्ट 28 डेज़ में मेरा कुल जो वीडियो है सबको मिलाकर सब में एवरेज व्यू ड्यूरेशन, मतलब घर में एवरेज में लोगों ने कितना मिनट तक मेरा वीडियो को देखा है उसका ये कैलकुलेशन है। तो लास्ट 28 डेज़ में देखिए यहाँ पर दिखाया गया है 5.21 मिनट्स दिखाया गया है, और प्रीवियस पीरियड में देखिए 5.04, मतलब लास्ट 28 डेज़ में मेरा चैनल का जो एवरेज व्यू है वो थोड़ा सा इंक्रीज़ हुआ है, मतलब बढ़ गया है। तो ऐसे छोटा छोटा जो कंपैरिजन है आप कंपैरिजन को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं यहाँ से। तो अब सब्सक्राइबर वाला ऑप्शन में आते हैं, यहाँ पर देखिए सब्सक्राइबर वाला जो ऑप्शन है वो है ग्रीन में दिखा रहा हूँ, रेड कर लेता हूँ मैं इसको। तो और यहाँ पर जो है वो है उसका ग्राफ, इसको भी आप समझ सकते हैं। और इसके ऊपर जब क्लिक करेंगे तो ये अपना खुद का एक भरा सा ग्राफ खोल के देगा आपके सामने, और किसी कहीं पर जगह पर आप क्लिक करेंगे ना तो वहाँ पर उसका पूरा डेटा आपको डिटेल में दे दिया जाएगा। संडे 26 जुलाई मेरा अभी तक का सबसे एक दिन का सब्सक्राइबर गेन हुआ था 31 लास्ट 28 डेज़ के अंदर, और लास्ट वाले जो है मतलब 20 अगस्त को दिखा रहा हूँ मैं, साथ मेरा सब्सक्राइबर बढ़ा है। और यहाँ पर देखिए 4 अगस्त को मेरा 4 सब्सक्रिप्शन था, और 16 अगस्त को मेरा 8 सब्सक्रिप्शन था। आप यहीं पर भी क्लिक कीजिएगा, उस डेट का पूरा डिटेल आपको मिल जाएगा यहाँ पर। बहुत मज़ेदार बात है, बहुत इजी चीज़ है। अब टॉप वीडियोज़, ये टॉप वीडियोज़ में अपना ट्रेंडिंग वीडियो जो है उसको
वो जानने के लिए मैं इसको क्लिक करता हूँ। अब देखिए टॉप वीडियोज़ में अगर क्लिक करूँगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो एक दूसरा पेज खुल जाएगा, खुल गया है। लास्ट 28 डेज़ में मेरा जो टॉप वीडियोज़ है, मतलब सबसे ज़्यादा व्यूज़, मतलब सबसे ज़्यादा मिनट तक देखा गया जो व्यूज़ है, मतलब उसको क्या बोलते हैं, मतलब वॉच टाइम जिस वीडियो में आपको ज़्यादा आया है, लास्ट 28 डेज़ में वॉच टाइम आपके कौन सा वीडियो में ज़्यादा आया है, उस हिसाब से ये आपको डेकोरेट करके देगा, सजा के देगा। तो ये देखिए मेरा सबसे ज़्यादा लास्ट 28 डेज में इस वीडियो के ऊपर आया है वॉच टाइम इस वीडियो के ऊपर आया है। और ये मेरा एक शॉर्ट फिल्म है, ये भी थर्ड नंबर में चल रहा है। तो इसीलिए आपको ऐसे आपको मिल जाएगा यहाँ से लास्ट 28 डेज़ का। अगर लास्ट 28 डेज़ अगर आप चेंज करना चाहेंगे तो कैसे चेंज करेंगे, तो इसको चेंज करने के लिए आपको बहुत सिंपल सा तरीका है। ड्रॉप डाउन मेनू में एरो में क्लिक कीजिए, यहाँ पर लास्ट 7 डेज़ का कर सकते हैं। देखिए लास्ट 7 डेज़ हो गया एकदम, देख सकते हैं। और इसको अगर आप रियल टाइम 60 मिनट, लास्ट 60 मिनट में कर सकते हैं, तो ये देखिए लास्ट 60 मिनट हो गया। और यहाँ पर आपको दिखाया जाएगा कि लास्ट 60 मिनट में, मतलब लास्ट घंटे में आपका कौन सा वीडियो ज़्यादा टाइम तक देखा गया है, कौन सा वीडियो में आपका वॉच टाइम ज़्यादा आया है, मतलब आपका ट्रेंडिंग वीडियो देखने के लिए आप इस ऑप्शन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था मेरा आज का वीडियो, जहाँ पर मैंने YouTube स्टूडियो मोबाइल का जो ऐप है उसके ऊपर एक बेसिक सा आपको नॉलेज दिया, जितना जानकारी मेरे अंदर था उसी के ऊपर। तो जो लोग मेरे चैनल में नए हों वो लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, उसके ऊपर जल्दी से क्लिक कर देना, ताकि मेरे अपलोड किया हुआ हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी जल्दी पहुँच जाए। और ये वीडियो कैसा लगा मुझे कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और ये वीडियो मेरा एक कमेंट के ऊपर बेस किया हुआ वीडियो है। तो अगर कोई टॉपिक में आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना, और हर कमेंट का मैं रिप्लाई देता हूं। और तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मुलाकात होगा दूसरे एक वीडियो में दूसरे एक टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सब लोग अच्छे से रहिएगा और सुस्त रहिएगा। गुड बाय।